मालिक के पुत्र हो, कहिए पुत्र कुशल से तो हो, आपकी कृपा से सब सब कुशल है। मैंने मेरे बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए जल्दी पहचान न सका, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठान ली। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि पिताजी के और आपके विशेष संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है, अन्यथा हमारी ओर की सूचना तो हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई थी। अरे मूर्ख, मेरे पास इन भाषणों को सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है जल्द कहो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से मुंह मोड़ लें और माता सीता जी को उनके पास वापस भेज दें, और यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज होगा, झगड़े और नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी यदि चेतुड़ी पृथ्वी स्वर्ण में होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले बस। अरे सुमन को बंद कर। अरे नालायक तेरे जैसे कुपुत्र को तो अरे जन्म देते ही मर जाना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर रहा, अरे उनका ही सर करता जाता है, धिक्कार है, अरे धिक्कार है तेरे जैसे कपूत को। यदि तेरे जैसा कपूत मेरे घर में जन्म लेता तो कभी का उसे मार दिया जाता। देशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, पाप के खत का अफसोस वह पाल हो, जिसे अपनी शर्म और कैरत का कुछ भी न ख्याल हो, ऐसे कुल खाती को नहीं दुनिया से पाल हो। अरे स्त्री के वास्ते जिसे भाई की जान ली, अरे मौत तूने उसी की सेवकाई ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि होनी के काल चक्र ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और शोक विचार का अंश तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है भी समझ जा क्यों मौत का सेरा हुआ। तेरी बातों से ही दशानन, तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत ए हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो
يا ساري عمر تُنے ملکوں میں ہی گوائی